वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने 2021 में एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और अभी कल के दिन ही रिज़ल्ट आया हुआ है एसएससी स्किल टेस्ट का। उसमें मैं मिस्टेक्स दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो मिस्टेक्स माफ़ होती हैं वो 7% रहती हैं फॉर ग्रेड डी एंड 5% रहती हैं फॉर ग्रेड सी फॉर यूआर कैटेगरी। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेड डी में रहती हैं 10% और ग्रेड सी में रहती हैं 7%। ठीक है, तो मैं आपको अपनी मिस्टेक दिखाना चाहता हूँ। मुझे ग्रेड डी में मिस्टेक्स आई हैं 1.22% और ग्रेड सी में मिस्टेक्स आई हैं 3.33%। और ये जो परफॉर्मेंस है इसको बेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीकों पर चल सकते हैं। मैं आपको अपने हिसाब से ट्रेंड करूंगा और मेरा टारगेट है कि एसएससी 2023 तक जो एग्ज़ाम है एसएससी 2023 में उसको क्लियर करवाना आप लोगों का, ये मेरा टारगेट है। उसके स्किल टेस्ट से आप बाहर नहीं होंगे। और बाकी नंबर सीरीज रीजनिंग की क्लासेस भी आपको डेली मिलेंगी, इंग्लिश की भी मिलने वाली हैं और जीएसटी भी मिलेंगे, और शॉर्ट हैंड की मैं दे ही रहा हूँ। ओके, तो इस चैनल को प्रॉपर आप फॉलो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज के वीडियो में हम शॉर्ट हैंड की क्लास 8 शुरू करने वाले हैं। आज हमारा 8वां दिन है शॉर्ट हैंड सीखते सीखते, और मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। जैसे मैं आपको व्यंजन के बारे में सब बता चुका हूँ, आपको मात्राओं के बारे में सब बता चुका हूँ, कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या होती हैं। आपको स्वर के बारे में बता चुका हूँ, कैसे लगाते हैं, क्या होते हैं, कहाँ यूज़ करती हैं। और आपको शब्दों की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। शब्द कैसे लिखते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैंने 2 क्लास प्रॉपर प्रैक्टिस की ही लगाई है कि शब्दों को कैसे लिखा जाता है, मैं आपको समझाऊँ। एंड आई होप आप समझ गए होंगे। और मैंने आप सभी से कहा था कि आपको अभ्यास 14 तक जितने भी वर्ड्स आपको इस बुक में मिलेंगे या प्रसाद दीक्ष में, वो आपको लिखने हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए, अदरवाइज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और लास्ट क्लास में हमने शब्द चिन्ह पढ़े थे कुछ इस तरह से, एक तो ऊपर आप कुछ याद आ रहा है कि क्या शब्द चिन्ह थे वो? ऊपर पै पर में का को की या फिर की एंड देन के, ये कुछ शब्द चिन्ह थे जो हमने कल देखे थे कि ये कैसे बनते हैं। शब्द चिन्ह का सीधा सीधा मतलब यह है, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको आप एक चिन्ह से बनाएंगे, आपको उन्हें याद करना है ताकि आप शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ा सकें। इसलिए अगर आपसे बोल दिया कि एक आदमी, तो आप अगर बेसिक से चलेंगे तो पहले आप का बनाएंगे, उसमें ए की मात्रा लगाएंगे ए, फिर लगाएंगे दा म, फिर उसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर ई की मात्रा लगाएंगे, ये लिखेंगे आप आदमी। लेकिन आप सब चिन्ह का यूज़ करके जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक आदमी, बस आप इस तरह से लिखेंगे, तो एक का जो आपका टाइम था वो बच गया। इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है, इसीलिए से कहा जाता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिख सकें, उसे ही हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, हिंदी स्टेनो बोलते हैं या इंग्लिश स्टेनो बोलते हैं। ठीक है, तो एक का शब्द चिन्ह था, आप अगर बुक में भी देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और एक का जो शब्द चिन्ह है वो ऊपर वाली लाइन के पास पर रहता है, और दो का जो शब्द चिन्ह है वो नीचे वाली लाइन के पास रहता है, और इनका जो चिन्ह है वो सेम रहता है, बस इसकी लाइन बदल जाती है कि कौन सा कहाँ पे लिखा जाएगा। एक ऊपर लिखा जाएगा, दो नीचे लिखा जाएगा, ताकि आप एक और दो में अंतर समझ पाएँ। ऊपर इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर पेपर, ठीक है, ऊपर पेपर ऐसे लिखा जाता है, मे है जो नीचे वाली लाइन के पास लिखा जाएगा, जिस लाइन के ऊपर वो होगा मे। ठीक है, का आपका ऊपर लिखा जाता है, को आपका नीचे लिखा जाता है, का ऊपर लिखा जाता है, को नीचे लिखा जाता है, और की जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा ऊपर साइड में, और के जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा नीचे साइड में। ओके, की के, ठीक है, ये हो गए आपके शब्द चिन्ह जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कुछ और शब्द चिन्ह की बात करेंगे, जैसे ने कैसे लिखते हैं, से
कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी लाइट और डार्क का बहुत फ़र्क आने वाला है, ठीक है। ये जितने आपने लिखे हैं ऊपर सब चिन्ह, ये सब लाइट हैं, लाइट हल्की पेंसिल से लिखे जाएंगे सारे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ शॉर्ट से बता दूँ, ने से कौन कुछ, ये सारे सब चीज़ें आपको याद करने हैं, ठीक है। मैंने मुझे मेरा मुझको उसने उसे उसका उसको वह वे उसी एंड इसी। ये सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी शब्द चिन्ह की, जो आपको याद करनी है। उसको लिखते कैसे हैं देखिए, बताता हूँ आपको। इसमें देखिए डार्क और लाइट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर वाले शब्द चिन्ह में कि का को हम ऐसे लिख रहे थे और को हम ऐसे लिख रहे थे। सेम चीज़ ने और से में भी होगी, ने और से को भी हम उसी तरह से लिखेंगे, बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि ने और से को डार्क लिखा जाएगा। इनको हम हल्का सा डार्क लिख देंगे, ने और से, ठीक। ने और से, ने भाई ये ऊपर लिखा जाएगा ऊपर वाली लाइन के पास, और से जो है नीचे वाली लाइन के पास लिखा जाएगा, ठीक है। तो आते हैं कौन कुछ, इसमें कोई डार्क और लाइट का रोल नहीं है। कौन लिखा जाएगा ऊपर वाली लाइन पे, कुछ लिखा जाएगा नीचे वाली लाइन पे, ठीक है। कौन कुछ, ये होता है सिंबल, ये होता है कौन का सिंबल, ये होता है कुछ का सिंबल, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखना है इसको इस तरह से, कौन कुछ, ओके। मैं, अब देखिए हमने ऊपर ऐसे लिखा था, ऊपर ऐसे लिखते थे, और मैं ऐसे लिखते थे नीचे, ये हम ऊपर लिखते थे ऐसे, मैं हम नीचे लिखते थे ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैं भी इसी तरह से लिखना है, बस मैं में हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। मैं बनेगा इस तरह से डार्क, मैंने बनेगा आपका इस तरह से, लाइन के ऊपर ही रहेगा, मुझे बनेगा आपका इस तरह से, ऐसे करके आपको इस तरह से घुमा देना है, ये होगा मुझे। मेरा बनेगा आपको इस तरह से, जस्ट मैंने का ऑपोजिट है ये, मुझको बनेगा आपका इस तरह से, है सर, ठीक है। मुझको हमने लिख लिया, मुझको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक उसी तरह से आपका उस, ये जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे, बस अंतर क्या रहेगा कि ये जो है नीचे बनेगा, ऐसे मैंने बनाया हुआ है, उस इस तरह से लिखेंगे, उसने इस तरह से लिखेंगे, उसे इस तरह से लिखेंगे, उसका इस तरह से लिखेंगे, और उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपने मैं वाला कॉन्सेप्ट याद किया है यहाँ से लेके मुझको तक, वही उससे लेकर के उसको तक रहेगा, बस अंतर से इतना रहेगा, जो माँ से शुरू होने वाले आपके सब चिन्ह हैं, जैसे मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, ठीक है, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, ये आपके लाइन के ऊपर आने वाले हैं, यानी कि ये ऊपर वाली लाइन के पास रहेंगे आपके, ऊपर वाली लाइन के पास रहेंगे, ठीक है। और जो आपके उस यहाँ पे शुरू होंगे, ये नीचे वाली लाइन के पास रहेंगे। इससे आपको अंतर समझ में आएगा कि कौन सा जो वर्ड है, कौन सा शब्द चिन्ह है, वो क्या है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ बना दिया और ये आपको बोला गया मैं, तो आप इसको मैं ना पढ़ के उस पढ़ देंगे, क्योंकि सब चिन्ह तो ये उसका होता है। अगर आपने यहाँ बना दिया, आपसे बोला गया उस, पर ये तो आपने मैं बना दिया पर आपसे बोला गया उस, तो इसलिए समस्या हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा कहाँ पे आएगा, कौन सा किस लाइन पे आएगा, लाइन के ऊपर रहेगा, लाइन के नीचे रहेगा, लाइट रहेगा कि डार्क रहेगा, इनका आपको बहुत ज़्यादा रोल निभाना है, ऊंचाई लाइन पर रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे शब्द चिन्ह। अब हम कुछ और शब्द चिन्ह कर लेते हैं, उसको तो हमने कर लिया, अभी हम बढ़ते हैं इन शब्द चिन्हों की तरफ से। वह वे, ये दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, बस लाइन का फ़र्क है, वह ऊपर वाली लाइन के पास रहता है, वे नीचे वाली लाइन के पास रहता है, वह ऊपर वाली लाइन के पास रहेगा, वे नीचे वाली लाइन के पास रहेगा।
उसी तरह से उसी और इसी में आ जाते हैं, ठीक है। उसी और इसी को हम किस तरह से लिखते हैं हमें ये देखना है। इसमें भी लाइन का रोल रहेगा ऊपर और नीचे का। उसी जो है हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से घुमा करके, और इसी जो है हमारा ये भी हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। थोड़ा सा अंतर होगा बस, अंतर इसमें एक और होगा, एक तो लाइन का अंतर रहेगा, फिर से बताता हूँ मैं आपको। उसी जो है नीचे वाली लाइन के पास लिखा जाएगा, इसी जो है ऊपर वाली लाइन के पास लिखा जाएगा, और इस तरह से दोनों में अंतर रहेगा, ठीक है। इसमें लाइट और डार्क कोई सीन नहीं है, आप नॉर्मली इसको बना सकते हो। ये हो गया उसी, ये हो गया इसी। उसी नीचे वाली लाइन पर रहेगा, इसी ऊपर वाली लाइन पर रहेगा। ध्यान रखिएगा लाइन पर बनाना और लाइन के ऊपर साइड बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। दूसरा, हल्का बनाना या डार्क बनाना, लाइट या डार्क बनाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समय कहता हूँ ना, ये लाइट बनेगा डार्क बनेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो व्यंजन में जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मात्रा किस पोजीशन पे लगेगी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चार चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी हो, तभी आप स्टैंडर्ड को अच्छे से सीख पाएंगे। आप ये समझिए कि अभी आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। अभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। सिंपल चीज़ें जो आपको बेसिक मैंने सिखा चुका हूँ मैं, अब आपको सब चीज़ पर ले जा रहा हूँ। अब यहाँ से फिर आपको आंकड़ों पर ले जाऊँगा, आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो और शॉर्ट होती जाएगी। जो आपने अभी बेसिक सीखा है उसको और छोटा करते जाएंगे आगे चल के हम। तो आप ये समझिए कि ये अगर आपको ये लिखना है आगे जा कर के, यह कहा जाता है, तो अगर आप अभी इसको आप लिखेंगे तो अभी आप इसको लिखेंगे या बनाएंगे, फिर हाँ बनाएंगे, फिर का बनाएंगे, फिर हाँ बनाएंगे और मात्रा लगाएंगे, जा बनाएंगे, ता बनाएंगे, दोनों में मात्रा लगाएंगे, फिर हाँ ऐसे बना देंगे, क्योंकि अभी आपने है का सब चिन्ह पढ़ लिया है, ठीक है। पर हम कैसे लिखेंगे आगे चल के, यह कहा जाता है, बस यह कहा जाता है, हमने इतने में लिख दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए आपने इसको लिखा आपको बहुत टाइम लगा और हमें इसको लिखा में बहुत कम टाइम लगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, अगर जब आप सीखेंगे तब आएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आए होंगे। एक बार आप लोग फिर से साथ में इसको लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो हमने अभी तक पढ़े हैं सत्य चिन्ह, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो आज पढ़े उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक लाइन के ऊपर, दो नीचे वाली लाइन के पास, ऊपर पेपर ऊपर वाली लाइन के पास, में नीचे वाली लाइन के पास, का इस तरह से बनेगा ऊपर वाली लाइन के पास, को इस तरह से बनेगा नीचे वाली लाइन के पास, की इस तरह से बनेगा ऊपर लाइन के पास, के इस तरह से बनेगा नीचे वाली लाइन के पास। उस पर आते हम आते हैं ने और से में। ये बनेगा हमारे डार्क, ने ऊपर वाली लाइन के पास, से नीचे वाली लाइन के पास, याद रखिएगा डार्क रहेगा। उसके बाद आते हैं कौन और कुछ में, इससे डार्क और लाइट का मतलब नहीं है। कौन ऐसे बनेगा और कुछ ऐसे बनेगा, कौन ऐसे बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। उसके आते हैं मैं, ये देखिए डार्क का सीन हो गया, क्योंकि अगर डार्क नहीं बनाएंगे तो ऊपर पेपर सिर्फ इस तरह से लिखा जाता है तो आप अंतर नहीं सोच पाएंगे, इसलिए डार्क बनाएंगे। तो ये हो गया मैं, ये हो गया मैं, ये हो गया मैंने मैंने, ये हो गया मुझे मुझे, डार्क बनेगा ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये हो गया मुझको, ये हो गया मुझको। आपको लिख लिख करके इसको याद करना है, ध्यान रखना। ये हो गया उस, ये हो गया उसने, उस उसने, ठीक है, उसे उसे, उसका उसका, उसको उसको। और लाइट और डार्क कोई मतलब नहीं है, वह और वे में बस लाइन का फ़र्क है। वह ऊपर होगा और वे नीचे वाली लाइन के पास होगा, वह ऊपर वाली लाइन के पास, वे नीचे वाली लाइन के पास। उसके आते हैं उसी, उसी नीचे वाली लाइन के पास रहेगा और इसी है वो ऊपर वाली लाइन के पास रहेगा, और इस तरह से बनेगा उसी इसी उसी इसी। समझ गए बात को, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने कल आपको अपनी मिस्टेक्स दिखाई थी कि मेरी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, देखी होगी आपने। और मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी आपको दिखा दी है, ताकि वो चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, कोई और डाउट है, कोई और परेशानी है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप
फिर से बता दे रहा हूँ, गया प्रसाद की बुक ले लो, उसी से आपको सब चीज़ याद करने हैं और प्रैक्टिस भी उसी बुक से करनी है। गया प्रसाद जी की बुक ले लो आप। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम में अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ही बता रहा हूँ, IM_VISHAL107 ये इंस्टाग्राम आईडी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पर्सन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, अपने सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी सीखना चाहते हैं शोरूम पे वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।